इसको आपका ट्यूशन समर्थन दिया है। ओम श्री प्रणाम। आज हमारी मूल ओबीसी जैसलमेर जिले की यहाँ पे एकत्रित हुई थी वोटों के संबंध में। भारती जी उनकी इच्छा के अनुरूप, उनकी रिक्वेस्ट के अनुरूप 18 महीने से वो हमारे से जुड़े हुए थे, उसके मुताबिक उनको हमने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में फार्म सब मूल ओबीसी ने प्लस 36 कौन में मिलकर के भरवाया था, और उस फार्म को उन्होंने हमारे संगठन के बिना पूछे, बिना इजाजत, किसी के दबाव में आके लिया या अपनी मर्जी से लिया, वो तो बाप जी जाने, वापस ले लिया। और हमारे मूल ओबीसी का जो समर्थन था वो बाप जी ने गलत तरीके से आगे कोट कर लिया कि छोटू सिंह के फेवर में मैं मेरा फार्म वापस ले रहा हूँ और मूल ओबीसी का समर्थन छोटू सिंह जी को है। मैं इस चीज का खंडन करता हूँ अध्यक्ष होने के नाते कि बाप जी ने ये गलत कहा है। बाप जी को हमने समर्थन जरूर दिया था, पर बाप जी ने आगे समर्थन क्यों दिया, हमने तो उनको ऑथराइज किया नहीं था। बाप जी जिस तरीके से वीडियो वगैरह जारी कर रहे हैं समर्थन की मूल ओबीसी की तरफ से, वो बिल्कुल गलत है। हम बाप जी के साथ में नहीं है, वो बाप जी की निजी राय है। पिछले 8 वर्ष से हमारी मेहनत हमारी मूल ओबीसी को एकत्रित होने की थी। 18 महीने से जो बाप जी ने हमको भरोसा दिलाया और बाप जी ने इच्छा जाहिर की कि मुझे आप किसी तरीके से राजनीति के अंदर प्रवेश कराओ, उसके मुताबिक बाप जी का मूल ओबीसी ने समर्थन किया था और बाप जी ने फार्म ऑफिस ले लिया। इसलिए हमारे मूल ओबीसी संगठन को ये नौबत आ गई कि जब लोकतांत्रिक तरीके से हम बाप जी को वोट नहीं कर पाए, लोकतांत्रिक तरीके की मर्यादा को तोड़ते हुए बाप जी की से फार्म वापस लिया गया, और उस उपलक्ष्य में हमारे यहाँ पे यह स्थिति बनी कि हम किसको वोट करें। उस पार्टी को, उस कैंडिडेट को तो हम बिल्कुल वोट नहीं कर सकते जिन्होंने बाप जी के ऊपर दबाव बना करके बाप जी का फॉर्म वापस ले आया, और हमने इसी कारण से नया रास्ता अपनाया है और सर्वसहमति से जितेंद्र कैंडिडेट श्री रूपा राम जी को हमने मूल ओबीसी की तरफ से अपना समर्थन दिया है। आगे सबकी इच्छा से, सबकी विचारधारा से ये समर्थन दिया गया है रूपा राम जी को, और बाप जी को हमारी तरफ से किसी मूल ओबीसी के आदमी की तरफ से आज जो बातचीत हुई उसके मुताबिक किसी बीजेपी वाले प्रत्याशी को समर्थन नहीं है। हमारी भावनाओं को आहत अगर थर्मामीटर होता तो बुखार के जैसा मापते। हम ये सोचने में मजबूर हैं कि हम आज भी 70 साल पीछे हैं। हम अपने आप को गुलामों के गुलाम समझते थे, गुलाम तो आजाद हो गए, पर इस एपिसोड के बाद में हम ये 100% महसूस करते हैं कि आज भी हमको लोग गुलाम रखना चाहते हैं और वो हमको किसी रूप में ऊपर उठते नहीं देखना चाहते। हमारा ये दायित्व बन जाता है कि हमें जो अपना पथ आगे प्रशस्त करने के लिए मदद करे उस प्रत्याशी को हम समर्थन देंगे वोट करेंगे और भारी मतों से जिताएंगे, क्योंकि हमारी भावनाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी और उनके सहयोगियों ने बहुत ही आहत की है, और इसीलिए हम कांग्रेस प्रत्याशी को जिता करके आगे भेजेंगे। कांग्रेस हमारे रास्ते में कभी भी रोड़ा नहीं बनी और उन्होंने कभी भी लोकतांत्रिक मर्यादा को नहीं तोड़ा। हमारे प्रत्याशी को खड़ा करने में उन्होंने हमें कोई तकलीफ नहीं दी, पर एक पार्टी ने हमें तकलीफ दी है और हम आहत होकर के कांग्रेस की गोद में थे।